नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय पे, जो रास्ता माल रोड रिंग रोड का रास्ता जो केजरीवाल हाउस की तरफ जाता है। यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजों के शिक्षक और कर्मचारी अपने वेतन के साथ साथ अपने और कई मांगों को लेकर मार्च कर रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास की तरफ। इनका आरोप है कि केजरीवाल सरकार दिल्ली के कॉलेज की ऑटोनॉमी खत्म कर रही है, उन पे वेतन कटौती फंड कटौती करके एनईपी के तहत उन कॉलेजों को विश्वविद्यालय से अलग करके एक अलग ऑटोनॉमी अपने अंडर लेने की कोशिश कर रही है, जिसके खिलाफ उनका मार्च है। इस मार्च में बड़ी संख्या में टीचर्स और कर्मचारी दोनों की एकजुटता शामिल है। इस मार्च में शामिल शिक्षकों से बात करके समझने की कोशिश करते हैं उनका ये प्रदर्शन की मुख्य मांगे क्या है, और अगर मांगे नहीं मानी तो उनका आंदोलन आगे कैसे चलेगा। केजरीवाल हमारे साथ महा धोखा करके सरकार का साथ दे रहे एनईपी में और दिल्ली यूनिवर्सिटी को डिसइंटीग्रेट कराने में। पहले 28 कॉलेज ले जाएंगे, तो इसमें डिसअफिलिएशन का क्लॉज एनईपी में 2030 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी से अलग हो जाएंगे, अपने अलग बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाएंगे और उनका रूल रेगुलेशन अलग होगा। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तरह चलेंगे हर मामले में, फीस, स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रमोशन, सैलरीज, हर चीज़ में। तो आप एक अच्छी खासी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी को तब्दील कर रहे हैं 80 अलग अलग ऑटोनॉमस प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। ये नहीं चलेगा, ये हम नहीं होने देंगे। ये शिक्षा में जो सैलरी है वह ग्रांट है, वह राज्य का दायित्व है, सरकार का दायित्व है। आप सरकार जो है शिक्षा पे खर्च करने से हाथ पीछे खींच रही है, यह ठीक नहीं है। आप स्टूडेंट को अगर आप बढ़ाएंगे कि फीस जो है वहाँ से बढ़ा करके उनके फंड से अगर सैलरी दीजिए, तो फिर आप यह समझिए कि फिर कौन सा बच्चा पढ़ पाएगा। 14 से 15 महीने हो गए कि वो सैलरीज नहीं देते, पेंशन का रुपया नहीं आता, ग्रांट टाइम से नहीं आता। 3 महीने 4 महीने को टीचर को कुछ सैलरी नहीं मिलता, वो प्रदर्शन करता है तो कुछ ग्रांट आ जाता है। जो ग्रांट आ रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है। अभी भी जो ग्रांट रिलीज हुआ है वो कई कॉलेजेस में सिर्फ जनवरी भर तक की सैलरी के लिए है। भग्नी निवेदिता में भी ग्रांट रिलीज नहीं हुआ है। बहुत समय से मेडिकल जो बिल्स हैं टीचर्स के एरियर्स हैं वो सब पेंडिंग है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हो गई है वो ये कि इन्होंने पैटर्न ऑफ असिस्टेंस करके एक डॉक्यूमेंट गवर्निंग बॉडीज़ पे भेजा, और अभी गवर्निंग बॉडीज़ को फ़ोन आ रहा है कि आप उसको अडॉप्ट कीजिए। पैटर्न ऑफ असिस्टेंस में पहली बार ही इन 12 कॉलेजेस को एफिलिएटेड कॉलेजेस कहा गया है, जबकि ये कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं। तो एक दस्तावेज के थ्रू, एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट के थ्रू ये लोग उसका नेचर चेंज करना चाह रहे हैं, जो हमें एक्सेप्टेबल नहीं। सरकार ने पिछले दिनों हमने देखा कि दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स को जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से छीक करके और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में शामिल कर लिया। तो ये जो डी इंटीग्रेशन की जो पॉलिटिक्स है इसके खिलाफ हम लोग जो है ये मार्च कर रहे हैं। शिक्षा पे खर्च करने की जो बात कर रहे हैं वो दो, एक तो स्कूली शिक्षा पर तो अलग बात आएंगे, अभी हायर एजुकेशन की बात है, कॉलेजेज की बात है। कॉलेज में आप बताइए ना कहाँ खर्च कर रहे हैं। वही तो बात अभी आपने पहले के जो अभी आपने बात की कि अगर कहीं उनको लगता है गड़बड़ी कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जो 12 ऐसे कॉलेज जिनका 100% फंड दिल्ली सरकार से आती है, वहाँ अगर कुछ गड़बड़ी है तो पिछले 4 साल से 5 साल से तो सरकार इन्हीं की थी और इन्हीं के कोई ना कोई व्यक्ति चेयरमैन है, वो कर क्या रहे थे 2 साल 3 साल से। अगर कोई गड़बड़ी थी तो आज भी सारे कॉलेजेज में आप देख लीजिए, इनके 12 कॉलेज में अधिकांश में इनके चेयरमैन हैं, तो कर क्या रहे हैं अगर गड़बड़ी है। इसका मतलब यह है कि गड़बड़ी नहीं है। ये जो है ना, देखिए केजरीवाल और मोदी जी दोनों ये फुफेरे भाई हैं, वो अब ये कह रहे हैं कि हम कट्टर देशभक्त पैदा करेंगे, तो ये 10 कदम आगे बढ़ करके मोदी से ज़्यादा लॉयल दिखने की कोशिश कर रहे हैं। जो सारी चीज़ें आज देश में बेची जा रही है मोदी सरकार के द्वारा जो प्राइवेट सेक्टर को, लगभग उसी रास्ते पर केजरीवाल चल रहे हैं। आंदोलन का मार्च रोक दिया गया, फिर आगे आंदोलन कैसे चले? नहीं देखिए, आंदोलन किसी एक एक्शन प्रोग्राम से नहीं होता, रोक देने से भी नहीं होता। किसान भी आंदोलित हैं इस देश में, हर कोई अपने हकों के लिए आंदोलित है, और टीचर और स्टूडेंट भी आंदोलित हैं। अगर हमें 5 लोगों को ऑफिस बेयरर्स को मौका मिलेगा तो हम अंदर बात करने जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे, और अगर आज केजरीवाल डायलॉग नहीं ओपन करते हैं तो ये आंदोलन आप देख रहे हैं कि आज कितने बहुमत भारी संख्या में टीचर्स यहाँ पर आए हैं,
ये भीड़ कई गुना बढ़ाई जाएगी। स्टूडेंट को बताया जाएगा कि पैटर्न ऑफ असिस्टेंस से और उनकी जो अगर फीस से हमारी तनख्वाहें आने लगी तो उनकी डिग्री का क्या होगा, ये बात स्टूडेंट में ले जाकर इस भीड़ को बढ़ाया जाएगा।